नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वक्त इंडिया में। मैं हूं रजत बोहरा। सरकारें बात करती हैं तरक्की की, सरकारें बात करती हैं कि हम देश को स्वच्छ बनाएंगे, वो ये भी बात करते हैं कि हम प्रदेश में कोई भी बीमार नहीं रहने देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, और ढेरों वादे करती हैं सरकारें चुनावों से पहले, पर जीतने के बाद सब वादे भूल जाती हैं। नए लोगों को रोजगार की बात तो छोड़ो, जो पहले से सरकार में हैं उनकी मांगों को तक ये सरकार पूरी नहीं कर पा रही, चाहे वो डेली वेजेस का मुद्दा हो, चाहे एनएचएम कर्मचारियों का, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स का। पिछले कई सालों से ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोज दिखाते आ रहे हैं, पर कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं होती। आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों का हाल, जहां अलग अलग सरकारी विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारें बदलती हैं, जगह बदलती हैं, लेकिन लोगों के मसले, लोगों का सरकार के प्रति रोष और सरकार के खोखले वादे ज्यों के त्यों रहते हैं। सरकार से हमारा ये सवाल है, आखिर कब तक रहेगा ऐसा और कब होंगी इनकी मांगे पूरी? जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेरे भाई जिंदाबाद, 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 राही प्राण जिंदाबाद, 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 जम्मू कश्मीर में जगह जगह सरकार को लेकर विभिन्न विभाग के कर्मचारियों में रोष देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, जो कि सरकार की नीतियों पर बहुत से सवाल खड़े करता है। हम यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर अदर एसोसिएशन के बैनर तले खड़े हुए हैं। हम पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उनके साथ काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने NPR किया है, राशन कार्ड डिटेल किया, आधार कार्ड बनाए, हमने सियाचिन से लेकर किश्तवाड़ वार्ड में जो भी रिमोट एरियाज हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। पिछले 8 साल से हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सडनली एक आर्डर आया है IT सेक्टर के साहब की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि आधार ऑपरेटर्स है इनको निकाल के जो इनके अपने मुलाजिम हैं उनको एंगेज किया जाए। हम एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है उनको बोल रहे हैं कि हम 1200 ऑपरेटर्स हैं, 1200 फैमिलीज हैं, हम पिछले 8 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या वजह है आप हमको निकाल रहे हैं? हमारा यही एक मकसद है कि वो जो है वो जो पॉलिसी है वो रिवर्क करके हमको एंगेज किया जाए। चाहे हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें या इरिगेशन, PDD, PHE, टीचर्स या NHM कर्मचारियों की, तो कहीं ना कहीं सब सरकार की नीतियों से नाखुश नजर आ रहे हैं। आज का हमारा प्रदर्शन जो है इस मुद्दे को लेकर कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं 7 साल पूरा कर चुके हैं, उनको परमानेंट किया जाए, और शहर की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि हम चाहते हैं हमारे ऊपर काम का लोड बढ़ा, हम चाहते हैं कि मुलाजिम और बढ़ाए जाए। हमारे काफ़ी पेंडिंग है, काफ़ी इश्यू पड़े हैं जिसको लेके हम ये स्ट्राइक पर जा रहे हैं। सिर्फ हम नहीं बल्कि सारी म्यूनसिपलिटी इसको स्ट्राइक पर जा रही हैं, जो कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जा रही हैं। है हमारी सरकार से, प्रेसिडेंट साहब से, जो अब प्रेसिडेंट रूल है, तो उनसे हमारी यही गुहार है कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस है जो 60-60 महीनों की है उसको रिलीज किया जाए, और जो SRO 520 है उसको ग्राउंड लेवल पे लागू किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जो हमारे डेली वेजर भाई हैं उनको कुछ राहत मिले, क्योंकि हमें सैलरी ना मिलने से हमारे बहुत सारे मसले जो हैं, जैसे हमारे बच्चों की स्कूल की फीस है या हमारे घर का जो खर्चा है वो हमें चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस है उसको क्लियर किया जाए, पूरी की पूरी पेंडिंग वेजेस क्लियर करे, हमें रेगुलर मंथली जो है वो वेजेस मिले, प्लस जो SRO 520 है उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। देखा जाए तो ये सब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आम नागरिकों से सीधे संबंध में होते हैं, और इनके हड़ताल पर जाने से आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी ये दोबारा 14 करोड़ के टेंडर इन्होंने लगा चुकी है एक साल,
जब इनके पास पिछले पैसे नहीं है, 50 करोड़ रुपया लाइबिलिटी बन चुकी है अभी तक, तो एक एक डिवीजन की 18-18 करोड़ रुपया इनके पास लाइबिलिटी है, तो आगे फिर टेंडर लगा रहे हैं, तो कहाँ से हम काम करेंगे? ये हमारी मजबूरी है यहाँ बैठने के लिए, इसके बिना हमारे पास हल ही कोई नहीं रहा। कौन सा रास्ता आगे? हर साल पैसे लगाते जाएँ, पैसे लगाते जाएँ। अगर ये 1 रुपये का काम कराते हैं उसमें हमें 20 पैसे देते हैं, 80 पैसे उधार रखते हैं, ये हर साल रखते रहते, हमारा जितना भी था बीबियों के बच्चों के अकाउंट में सारे खाली करके, अभी बैंक लोन हो गया हमारे ऊपर, प्राइवेट लोन है, लेबरों को पैसे देने हैं, सभी परेशान कर रहे हैं, तो तब तक ये हमारे पैसे नहीं देंगे, हम इनको आगे टेंडर नहीं करने देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे। हमारा यही मुद्दा है कि हमारी पेमेंट करो प्लीज, उसके बाद अपने काम करवाओ। हमें पता गवर्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये उनको भी अंधेरे में रख रहे हैं, ये लोग ऑफिसर लोग नीचे इतने हैं जो उनको लाइबिलिटी, ये बोलते परसों हमें एक्शन साहब को बोला, बोलता है ठेकेदार अपनी लाइबिलिटी। अरे भाई आप लोग इधर बैठे हो 2 लाख रुपया पे ले रहे हो, सरकारी गाड़ियां ले रहे हो, सरकारी स्टाफ चला रहे हो, आपके पास लाइबिलिटी नहीं, अगर आप लाइबिलिटी नहीं ले सकते तो बैठे किस लिए उधर? ठेकेदार को क्या पता है कि जब तक ये हमारा ये नहीं हल नहीं निकालेंगे तब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। मोदी साहब ने जो है ये जब वो 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया, अगर मैं पीएम बना तो मैं आप लोगों को आर्मी के बराबर कर दूंगा, इवन के वर्दी तक भी बराबर कर दूंगा। लेकिन आप वो दोबारा इलेक्शन जो है कि लड़ने के लिए तैयार हैं और हो सकता है पीएम भी बनेंगे, लेकिन उन्होंने पैरा मिलिट्री फोर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा है। में सिक्स पैक मिशन का लाभ हमें मिला था और हमारे साथ टैक्स कंट्रोल, आरएनडीसीपी और आउटसोर्सिंग, ये एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े हैं और आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें एनआरएचएम में कन्वर्ट किया जाए, और हो सकता है कि इस बार भी वो बोले कि हम रेगुलाइजेशन के लिए एक कमेटी गठित करते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती तब तक हमें हरियाणा के बाई लॉ यहाँ इम्प्लीमेंट हो या फिर इक्वल पे इक्वल वर्क यहाँ लागू किया जाए। ऐसा नहीं है कि इनकी मांगे गलत है या फिर इनका उद्देश्य लोगों या सरकार को परेशान करना है, पर सरकार का भी दायित्व बनता है कि इनकी मांगों को सुनकर पुख्ता कदम उठाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इन कर्मचारियों और आम जनता का लोकतंत्र से बिल्कुल ही विश्वास उठ जाएगा। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और भूल जाती हैं। वक्त इंडिया का आज फिर से उन सरकारों से ये सवाल है कि क्या इन कर्मचारियों के प्रदर्शन में कोई कमी है, कि इनकी गुहार सरकार सुन नहीं पा रही, या फिर ये सरकार ही बहरी बनी हुई है। ये सवाल हम सरकार के नुमाइंदों से पूछते हैं, क्यों वो चुप हैं?